स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत डंसा द्वारा देवदमुख के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधान पद्मा ने झंडा फहराया। देवता की पालकी प्रांगण में लाई गई, जिसके बाद रस्म अदायगी के लिए 2.5 फेरे नाटी लगाई गई। कोरोना महामारी के चलते यहां भी कार्यक्रम नहीं किए गए, जबकि यहां 2 दिनों तक सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों का आयोजन होता था। पंचायत प्रधान पद्मा व मंदिर कमेटी के प्रधान खेलचंद नेगी ने विस्तृत जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। आज जो 15 अगस्त के पावन अवसर पर यहाँ पे जो हमारा कल्चर था, जैसे यहाँ पे स्कूल के बच्चे, महिला मंडल, सभी महिला मंडल यहाँ पे जो अपने अपनी प्रस्तुति दिखाते थे, इस बारी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के जो दिशा निर्देश थे इसके मुताबिक हमने सिर्फ ध्वजारोहण किया और देवता साहिब के प्रांगण में हमारे जो यहाँ की संस्कृति है 2.5 फेरे जिसको बोलते हैं नाटी लगाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं एक बार फिर से देवता साहिब का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो मंदिर कमेटी है इन्होंने हमेशा ही जो है यहाँ का जो कार्यक्रम है अपने अच्छे से निभाया है। ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आज मंदिर कमेटी डंसा ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है और पंचायत प्रधान पद्मा जी के द्वारा झंडे का ध्वजारोहण हुआ है और हर साल की भांति इस साल भी जो स्थानीय देवता साहिब दमुख के समक्ष ग्राम पंचायत डंसा के प्रधान श्रीमती पद्मा कुमारी ने यहाँ पे मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किया है, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं।